रात के बजे ऑलमोस्ट 10 गाइस, इतना भयंकर ट्रैफिक हो रहा था ना, एंड उस ट्रैफिक को चीरते फाड़ते गाइस, चेक दिस आउट, हम लोग कहाँ पहुंचे, रोलिंग व्हील्स। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया गाइस। फाइनली वी हैव रोलिंग व्हील्स भैया, जिनके पास हमने अपनी लैम्बोर्गिनी दी थी और इन्होंने हमारी लैम्बोर्गिनी दी थी ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर का नाम है टो एंड ट्रक। जिंदगी में कुछ भी करना, टो एंड ट्रक से ना कभी अपनी शिपमेंट मत डालना गाइस। इतनी दिक्कतें हुई है ना, इतनी दिक्कतें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गाइस। हम दोनों ने जो चीजें झेली है ना, जब हमारी गाड़ी चेन्नई में फंसी थी ना, तो भी ट्रांसपोर्टर की दिक्कत के कारण फंसी थी। एंड अब तो उस बेचारे के पास बोल रहा है भाई, फोन करके बोल रहा है मेरे पास सीएनजी के पैसे नहीं है, टोल के पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई कहाँ डील कर रहा है, जबकि सुरेश भाई ने एडवांस, आपने एडवांस पेमेंट दे रखा है। हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहुंच जाएगी ना सुरेश भैया गाड़ी इधर। बाबा जी चाहेंगे तो पहुंच जाएगी, वैसे पहुंच जाएगी भाई, पहुंच जाएगी ना गाड़ी, ये देखो मेरे वाले लौंडे तो लेकर के आएंगे गाइस। लाल किले अभी हम लोग पहुंच चुके थे रोलिंग व्हील्स गाइस। गाइस हमारी जो लैम्बो है ना, वो बॉम्बे हम लोगों ने पहुंचाई है, बिकॉज अभी हम लोग ट्रांसपोर्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कहीं पर भी ट्रक खड़ा करके बोल देता है मेरी गाड़ी में अब टोल टैक्स नहीं है, मेरी गाड़ी पे गाड़ी इधर आ रही है, आ रही है, यही मंगा रहे, दिल्ली आ रही है। भैया प्लीज लैम्बो दिला दो, यही आएगी, यही आएगी, यही। ओके गाइस, भैया बोल रहे हैं यहाँ पर आएगी। बट इस पूरी सिचुएशन में आई विल से कि मतलब भैया ने पूरा साथ दिया चीजों को लेकर के। हम एक एक दिन में ना चार चार पांच पांच घंटे कम बोल रहा हूँ शायद मैं, कॉल ऑफ अगर दिखाना चाहो तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपका मेरा कोऑर्डिनेशन, 7-8 घंटे हम लोगों ने, इतने कॉल्स तो मैंने इसको भी नहीं करे होंगे पूरे दिन भर में, और इतने कॉल भैया ने अपनी बीवी को भी नहीं करे होंगे पूरे दिन भर में, जितने हम लोग उस टाइम पीरियड में थे, क्योंकि वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट द थिंग इज, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी बॉम्बे, एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग अपनी हायाबुसा यहीं पर छोड़ रहे हैं, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर लैम्बो बॉम्बे मिल गई तो हम लोग लैम्बो ड्राइव करके लेकर के आएंगे। वी डोंट रियली ट्रस्ट टो एंड ट्रक, बिकॉज इतना इतना टो एंड रिकवर, रितिका ने बता देगा इसका भी गाड़ी शिपमेंट में मत डालना, बिकॉज वी रियली डोंट ट्रस्ट टो एंड रिकवर। कहीं फिर रास्ते में गाड़ी गड़ी कर देगा, एंड हमारी गाड़ी हमारे लिए भाई बहुत मेहनत से कमाई हुई है। सो अभी हम लोग हायाबुसा अंदर पार्क कर रहे हैं गाइस, एंड उसके बाद कहाँ चले, खाना खाने के लिए, लेट्स गो गाइस, गाड़ी अंदर पार्क करते हैं और फिर आगे का सीन बताता हूँ मैं आपको। सेमलो जी गाइस, निकल चुके हैं हम अपनी हायाबुसा छोड़ करके, एंड द थिंग इज यहाँ से अभी हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन होने वाला है जयपुर। जयपुर इज गोना बी ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स। इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, बोलते हैं जब भी नींद आए तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बट मेरे को आ रही है गाइस, इसलिए मैंने अभी सतीश जी को थोड़ा सा रिलीफ सोने का टाइम दिया। ठीक है, तुम चला लो गाड़ी बॉम्बे तक, ये तो वैसे भी सो जाती है। लास्ट टाइम जब मैं बॉम्बे से आ रहा था ना सुपरा लेकर के, पूरे रास्ते भर में सो गई है। फिलहाल अभी हम यहाँ से आ रहे हैं बॉम्बे एक्सप्रेस वे की तरफ, जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको सीधा एक्सप्रेस वे पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे गाइस 7:30, एंड फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा। सतीश जी ने पूरी रात गाड़ी खींची है, मेरे को नींद आना शुरू हो गई थी गाइस, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी थी, एंड अभी हम लोग होटल रूम देख रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं यार। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर सतीश जी ने अकेले खींचे, बस अब यहाँ से 700 किलोमीटर और बच गया गाइस बॉम्बे। फिलहाल अभी होटल ले रहे हैं बिकॉज थक चुके हैं, और इस लड़की ने इतना ऐसे खिचड़ मिचड़ करके सोई है ना। मैं सोई कब? क्या मैं सोया था, सब जगह हुए थे सतीश जी सो रखे थे, हम सब जगह हुए थे गाइस। भाई मुझे तो पता ही नहीं लगा मैं सोया कब, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी, मैंने गाड़ी छोड़ दी, एंड आई विल सजेस्ट यू द सेम, नींद आए गाड़ी छोड़ दो भाई, क्या साइड में लगा के सो जाओ, ये तो 10 मिनट की नींद। फिलहाल अभी रूम देखते हैं गाइस, रूम लेते हैं, रूम में अच्छे से सोएंगे यार। रही